मुजफ्फरपुर नगर निगम के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि मेयर और उप मेयर दोनों पदों पर महिलाओं का दबदबा कायम रहा है। मुजफ्फरपुर की उप मेयर के तौर पर जनता ने पहली बार जो मतदान किया था मेयर और उप मेयर के लिए, उसमें उप मेयर पद पर मोनालिसा पहले राउंड की ही काउंटिंग से आगे चल रही थी और अंत तक वो बनी रही। क्या कहिएगा? अंत तक मैं बनी हुई हूँ, क्योंकि मुजफ्फरपुर की सम्मानित आदरणीय जनता ने मुझे बहुत प्यार आदर और सम्मान दिया, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और इसके साथ ही मैं अपने पति डॉक्टर नवीन कुमार जी को भी बहुत धन्यवाद दूंगी कि जिनके बिना ये संभव नहीं था, मैं उनकी वजह से यहाँ तक आई हूँ। जल जमाव से हमेशा पीड़ित रहा है मुजफ्फरपुर, और छाप भी आपका था पानी का जहाज, बारिश जब आएगी तो जहाज तैरेगा, या इस बार जनता उस जल जमाव से समस्याओं को मैं पारघाट लगाऊंगी इस नैया से। विधायक समर्थित भी थे, पूर्व मंत्री के समर्थक भी थे मैदान में, आपको उनका समर्थन मिला था, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा का, क्या कहिएगा? ऐसी बात नहीं है, ये तो जनता ही के द्वारा चुनी गई थी और जनता ही मुझे चुन के लाई इस मुकाम तक, और मैं अपने बल पर यहाँ तक आई हूँ। आने वाले समय में मुजफ्फरपुर नगर निगम का विस्तार होगा, 72 वार्ड आएंगे, अभी तो 49 है, उस समय आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों बढ़ेगी, उसको लेके क्या कुछ तैयारियाँ रहेंगी? कोशिश रहेगी कि मैं टीम बना के अपने वर्क को पूरा करूं और मॉनिटरिंग करती रहूंगी 10-15 दिन पे, और टीम बनाने से अच्छे लोग आएंगे तो मुझे काम करने में आसान है। जैसा कि हमने सुना, हमारे साथ मौजूद थी मोनालिसा जो उप मेयर के पद पर विजयी हुई है। मुजफ्फरपुर में पहली बार जनता ने मेयर और उप मेयर के लिए वोटिंग किया था जिसका रिजल्ट आज आया है, और एक बार जो पहली बार ऐसा हुआ है कि मुजफ्फरपुर में महिला उप मेयर और मेयर पद बनी है। हमारे साथ निर्मला साहू मौजूद हैं जो मेयर पद के लिए निर्वाचित हुई हैं, बहुत बहुत बधाई उसके लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार मीडिया बंधु का भी। आपके सामने में नगर विधायक के प्रत्याशी थे, तो जनता ने जवाब दे दिया है। बहुत लोग थे, मैंने जनता को पहले कहा था कि मैं आप लोगों के बीच में आगे करके दिखाऊंगी, जनता ने मुझ पर विश्वास किया है। मैं मुजफ्फरपुर की सभी जन मतदाता बंधु का मैं बहुत बहुत आपको आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझ पर अपना मुझ पर विश्वास किया है। मैं भी अब जनता के बीच में आके काम करके उन लोगों पर विश्वास दिलाऊं। जो वादे और दावे आपने किए हैं उसे कैसे पूरा कीजिए? मैं जो वादे मैंने किए हैं मैं करके करूंगी, मैंने जनता को पहले भी कहा है, मैं करने के लिए आई हूँ और करके दिखाऊंगी। विजन क्या रहेगा मुजफ्फरपुर का? जो भी है सर्वांगीण विकास मेरा यही उद्देश्य है, और निश्चित ही जनता जरूर कहेगी कि हम लोग इस बार बदलाव परिवर्तन करना चाहते थे, तो हमने एक ऐसी महिला को चुन लाए हैं कि जो काम मुजफ्फरपुर के लिए करेगी और हम करके दिखाएंगे। पूर्व में भी 2 बार महिला मेयर रही पर मुजफ्फरपुर की महिलाओं को एक यूरिनल तक की किसी चौक चौराहे पर व्यवस्था नहीं करवा पाए। जी मैं क्रिकेट की मेंबर थी हूँ महिला, जब मेयर है तो बोलेंगे। मैं स्वतंत्र रूप से जनता के द्वारा आई हूँ, तो जनता के द्वारा मैं चुनी गई हूँ, मैं स्वतंत्र होकर के मैं जनता के बीच में मैं काम करूँगी। कौन सा ऐसा काम जो पहले 3 महीने में करना चाहेंगे? मैं महिला हूँ, मैंने कहा था कि मेरी पहली प्राथमिकता महिलाओं के लिए रहेगी। मैं मुझे तो महिलाओं के लिए भी काम करना है, युवाओं के लिए भी काम करना है और शहर के लिए भी कार्य करना है, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा स्वास्थ्य जो यहाँ पर शौचालय की जो व्यवस्था है मेरी पहली प्राथमिकता वही रहेगी। जैसा कि आप सुन रहे थे मेयर पद के प्रत्याशी निर्मला साहू को, मुजफ्फरपुर से ऐसा पहली बार हुआ है कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों पर महिलाओं ने बाजी मारी है। मेयर पद पर निर्मला साहू ने और उप मेयर पद पर डॉक्टर मोनालिसा ने। मुजफ्फरपुर से एनबीटी के लिए मैं संदीप कुमार।